सभी चार्टर करने के बाद अब आगे जो हम लोग पढ़ना है वो पढ़ना है भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे तो एक बात आप लोग जानते रहिएगा कि भारत शासन अधिनियम आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। इसके लिए जो सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है वह थी 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति थी वह भारतीय शासन अधिनियम 1858 लाने का सबसे प्रमुख दावेदार था, माने सबसे प्रमुख जो कारण था वो कहीं न कहीं वह यही था कि भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था कि भारत की जो सबसे बड़ी क्रांति थी, कौन सी क्रांति, 1857। तो 1857 क्रांति क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कारण थे, उसमें क्या क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से 1857 क्रांतियाँ हुई, ये सब जो मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस बात को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। लेकिन इस समय हम लोग संविधान का दर्शन कर रहे हैं तो ये देखेंगे उस समय भारत में ऐसे हालात बन गए थे जिस युद्ध के नाते क्या किया गया, बाद में ये सत्ता सन 1858 के पश्चात जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 1857 जैसी जो घटना हुई थी दोबारा भविष्य में ऐसी ना घटे, इसके लिए क्या किया गया, इसको रोकने के लिए एक ब्रिटिश के औपचारिक हित के लिए ब्रिटिश का भारत में भारत ब्रिटिश क्राउन का सीधा अधिकार कर दिया गया, माने अब भारत में जो सत्ता चलाना था वो सीधा किसके हाथ में रखा गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया, इसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि इसके तहत भारत का जो शासन था वह सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चलाया गया। क्या किया गया, जो भारत का शासन पहले कंपनी के हाथ में था अब यहाँ से उठ के किसके पास चला गया, जो महारानी विक्टोरिया थी उनके अधीन या उनके हाथों में चला गया। ठीक, लेकिन अगला जो है हमने देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि 1858 का जो अधिनियम था इसके सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता यह थी कि जो कंपनी का अधिकार भारत में था उसे समाप्त कर दिया गया और इसको सीधा ब्रिटिश क्राउन या महारानी विक्टोरिया के हाथ में सौंप दिया गया, इसलिए ताकि भविष्य में 1857 जैसी घटना भारत में ना घटने पाए। क्योंकि आप जो हम इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पर बताएंगे क्या क्या ऐसे कारण थे, अगर वो क्रांति तय समय पर हुई होती और क्रांति सफल होती तो भारत 90 साल पहले ही आज़ाद हो गया होता। अब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत में एक नए प्रकार का पद रखा गया, इसे हम लोग कहते हैं वायसराय। वायसराय किसका पद रखा गया, वायसराय का पद रखा गया। जो यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था, क्या बनता था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था, कौन, ये ब्रिटिश क्राउन का, कौन, वायसराय। और भारत के जो पहले वायसराय बनाए गए वो कौन बनाए गए, लॉर्ड कैनिंग, कौन बनाए गए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग क्या बनाए गए, इसके पहले वायसराय बनाए गए, किसके वायसराय, भारत के। ठीक, क्योंकि इसके पहले जो गवर्नर जनरल का पद था भारत गवर्नर जनरल उसे समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद का सृजन किया गया। अच्छा, दो काम इसके तहत और हुए, इसी अधिनियम के तहत नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निदेशक बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से अंत कर दिया गया। अब भारत में एक नए पद, भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी जानते रहेगा आप लोग, लिखने से मतलब नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सृजन किया गया। किसके लिए सृजन किया गया, भारत के द्वैत प्रणाली को अंत कर दिया गया और भारत में राज्य के सचिव का क्या किया गया, पद का बनाया गया या सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण, जिसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण करने की शक्ति निहित की गई, किसके अंदर, भारत के राज्य सचिव के अंतर्गत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ
इंडिया के अंतर्गत निहित की गई। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। जो ये सचिव होता था ये क्या होता था? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी दौरान यह जो भारत का राज्य सचिव था ये किसके प्रति? ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। इसके लिए भारत के 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। इसके लिए भारत परिषद जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। कितने सदस्य? 15 सदस्य थे। ठीक, क्या बनाई गई? इसकी स्थापना की गई जिसे हम इंडियन काउंसिल कहते हैं। अच्छा, इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को भारत के शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना था। ये क्या करते थे? यह जो थे भारत परिषद के 15 सदस्य जो थे ये क्या करते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के कार्यों में सहायता देने के लिए और परामर्श देने के लिए थे। इनका मुख्य काम क्या था? भारत के सचिव को शासन के कार्य में परामर्श और सहायता देना। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। ध्यान दीजिएगा, यह किस मामले में? इसको लिख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा, अर्थव्यवस्था अखिल भारतीय सेवा, इन दो ऐसे मामले थे जिनके लिए भारत के राज्य सचिव को भारत परिषद इंडियन काउंसिल की बात मानना उनके लिए बाध्यता थी। क्या थी? बाध्यता थी। अन्य सभी विषयों पर वो उसकी राय को ठुकरा सकता था, किंतु इन दो मामलों पे अर्थव्यवस्था और भारत अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद के राय को मानने के लिए बाध्य था। उसे अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करनी पड़ती थी। किसे? भारत के राज्य सचिव को जो वार्षिक रिपोर्ट होती थी वह किसके? संसद के, ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की अनिवार्यता करनी पड़ती थी। और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा, क्या कहा? मैग्ना कार्टा। शिक्षित वर्गों ने क्या कहा? मैग्ना कार्टा का। मैग्ना कार्टा कब आया? 1 नवंबर 1858। कब आया? 1 नवंबर 1858 को आया। किसने किया था? महारानी ने घोषणा किया था। ठीक, समझ में आया? कोई समस्या आता? अब देखिए, ये सारे नियम को देख यहाँ से जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने एक चीज हमको और आपको भी समझ में आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन भारत में चलता था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? कि आप अगर हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो एक बात स्पष्ट होगी कि 1857 क्रांति यदि समय पर हुई होती तो कहीं ना कहीं भारत आज से 90 साल पहले आजाद हो गया होता। तो कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति थी वो पूरे ब्रिटिश को हिला कर रख दी। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, जो भारत पे उसकी व्यवस्था थी, भारत को चलाने की व्यवस्था थी, उसमें उसने एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया अपने लिए, मेरे देश के लिए नहीं, अपने लिए। उसने क्या किया? भारतीय जो सत्ता थी उसे अपने हाथों में ले लिया, सीधा ब्रिटेन क्राउन के हाथ में चला गया। फिर उसने लगातार बहुत सारे नाम बदले, जैसे उसने वायसराय का पद बनाया, नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया, द्वंद्व प्रणाली का भारत में पूरी तरह से अंत कर दिया और भारत में नए पद का सृजन किया। भारत के राज्य सचिव को और राज्य सचिव का पद किया ही किया, उसके साथ भारत के 15 काउंसिल सदस्यों को भी बनाया। और इस काउंसिल सदस्य जो थे वह अर्थव्यवस्था, अखिल सेवा, इन सभी मामलों में उनके बातों को बाध्य थे मानने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और थी,
देखिए बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का जो विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास में पढ़ते तो ये दर्शन थोड़ा सा अलग हमें दिखाई देता, लेकिन हम उसके झलक से न देख कर अपनी झलक से देखें तो हमने ये देखा कि जो भारत की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होती थी या वह ब्रिटेन संसद में भारत के राज्य सचिव जो थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक, तो इनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष क्या करना था, इनको बजट पेश करना होता था, जो वार्षिक बजट लिखा जो था तो वहाँ प्रस्तुत करना होता था, अनिवार्य था, ठीक। और अब हम देखते हैं 1858 में ब्रिटिश की महारानी ने घोषणा की, भारतीय शिक्षित वर्ग ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था, कहीं ना कहीं यह भारत के संवैधानिक विकास का एक बहुत निर्णायक मोड़ था और ये ब्रिटिश संसद के लिए भी एक बहुत निर्णायक कदम था, और इसी क्रम में हम लोग और आगे पढ़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा और एक बार ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी हमारी जो बातें हैं उन तक पहुँच जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, स्वीयों की शक्ति दी गई, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पढ़ेंगे, फिर वहाँ देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे, इसे मार्लमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, इसी क्रम हम लोग पढ़ते जाएंगे और जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, इसे टेग्यू चिम्स फोर्ट सुधार भी कहा जाता है, इसी क्रम में लोग लगातार पढ़ते रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो इलानी विद्रोह से जुड़ जाइएगा, और एक बार ध्यान दीजिएगा यदि आप टेलीग्राम ऐप से हमसे जुड़े थे तो ठीक है, नहीं जुड़े थे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश्वर बिना स्पेस दिए, आपको इस सभी की नोट्स भी आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ आप भी इसे नोट्स के रूप में बनाते चलिए, क्योंकि वीडियो क्रमिक रूप से आपको मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक इस कोर्स की पूरी तरह से समाप्ति नहीं हो जाती, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, हम भी आपके साथ हैं तब तक जब तक आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो जाते। हमारे ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएँ ताकि आप अपने भविष्य में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सके। इसी के साथ आप सभी को हम तो रात्रि वीडियो बनाते हैं, शुभ रात्रि, जय हिंद जय भारत।